छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला जेल में बंद सुनील अग्रवाल और कांग्रेस कोषाध्यक्ष के ठिकानों पर छापे। प्रवर्तन निदेशालय की छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छापेमारी हो रही है। रायपुर और भिलाई समेत कई शहरों में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी चल रही है। जानकारी के अनुसार 15 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी चल रही है। कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल के यहाँ छापेमारी हो रही है। इसके साथ ही जेल में बंद सुनील अग्रवाल के यहाँ भी छापेमारी हो रही है। आपको बता दें कि कोयला लेवी धन शोषण मामले में 20 फरवरी 2023 को भी ईडी ने छत्तीसगढ़ में छापा मारा था। यह छापेमारी राज्य की राजधानी रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक कांग्रेस के 3 दिवसीय पूर्ण अधिवेशन से पहले हुई थी। राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। कोयला लेवी धनशोधन के बारे में बताया जाता है कि वरिष्ठ नौकरशाहों, व्यापारियों, राजनीतिक नेताओं और बिचौलियों से जुड़े एक गिरोह द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रत्येक टन कोयला ढुलाई पर 25 रुपए की अवैध उगाही की जा रही थी। उसमें बताया गया था कि अब तक राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सौम्य चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी, उनके चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी, छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई और एक कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में पिछले साल सीएम भूपेश बघेल के करीबी आईएएस अधिकारी सौम्य चौरसिया, राज्य के एक आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई और कुछ कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में खनन अधिकारी शिव शंकर नाग और संदीप कुमार की गिरफ्तारी भी हुई थी। 20 फरवरी 2023 को ईडी ने बताया था कि 2 साल के अंदर 540 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अब तक ईडी आरोपियों की 152 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है।